हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्लास 11th का फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जो है राउंडिंग ऑफ फिगर्स, यानी कि फिगर्स को राउंड ऑफ कैसे करते हैं। इसको मैं आज आपको रूल के साथ समझाऊंगी और विद एग्जांपल मैं इसको क्या करूंगी, आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो राउंडिंग ऑफ फिगर्स का मतलब होता है किसी भी संख्या को या नंबर को क्या करना, राउंड ऑफ करना, उसके डेसिमल के बाद की डिजिट को क्या करना, ड्रॉप करना, कम करना। हिंदी में अगर हम कहें कि हम किसी भी संख्या को क्या करते हैं, उसके दशमलव अंक तक सन्निकट करते हैं, यानी कि उसके दशमलव के बाद के अंकों को कैसे छोड़ा जाता है, कैसे उस संख्या को सिग्निफिकेंट फिगर्स तक यानी कि सार्थक अंकों तक निश्चित किया जाता है, उनकी प्लेस को कैसे हम यहां पे राउंड ऑफ करेंगे, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो आप देखिए, मैंने यहां पे लिखा है 3 रूल्स में से रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 कहता है कि इफ द डिजिट फॉलोइंग द लास्ट डिजिट इज लेस देन 5, जब किसी संख्या का लास्ट डिजिट 5 से क्या हो, कम हो, यानी कि लेस देन क्या हो, 5, तो रूल क्या लगेगा, देन देयर विल बी नो चेंज, यानी कि जिस नंबर को हम ड्रॉप कर रहे हैं उसके पहले वाले नंबर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही रिटेन रहेगा जैसे पहले था। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है 25.64। तो 25.64 में कितने डिजिट हैं टोटल, 1, 2, 3, 4। मान लो कि हम इस डिजिट को केवल 3 फिगर सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें इसको क्या करना है, रिटेन रखना है, यानी कि 4 में से हमें ये नंबर केवल यहीं तक रखना है और इस नंबर को हमें क्या करना है, ड्रॉप करना है, यानी कि छोड़ना है। तो राउंड ऑफ करेंगे हम इसको कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक, 1, 2, 3 तक, और 4th नंबर को हम क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे, यानी कि छोड़ देंगे। तो अब हम देखेंगे जिस नंबर को हमने ड्रॉप करना है उस पर ध्यान देंगे। तो हमें 4 को ड्रॉप करना है, तो हम देखेंगे कि 4 5 से ज्यादा है या कम है। तो ये जो 4 है ये लेस देन क्या है, 5 है। तो लेस देन 5 है तो इसको यहां से रिमूव करने में, यानी कि जब हम इस नंबर को यहां से हटाएंगे तो इससे पहले वाले नंबर यानी कि 6 में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये ऐसे ही रिटेन रहेगा जैसे कि था। तो 4 को हम सीधा ही क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। तो हमारा ये डिजिट राउंड ऑफ करके आंसर आ जाएगा 25.6। तो ये इस नंबर का राउंड ऑफ फिगर है। अब हम इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है 5.6932 है, 1, 2, 3, 4, 5 फिगर्स हैं। तो 5 नंबर में से सपोज इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही हम क्या करना चाह रहे हैं, राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं, तो हम इसके 2 अंकों को या 2 नंबर्स को क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे, यानी कि छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम जब इनको ड्रॉप करेंगे तो हमें यही रूल अप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2 को देखिए, 2 क्या है, 5 से कम है, तो इसको छोड़ने पे इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये जो है ये भी 3 है, तो 3 भी लेस देन क्या है, 5 है, तो ये भी लेस देन 5 है, तो क्या होगा कि 9 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही नंबर 5 से क्या है, लेस है, और 5 से कम होने की वजह से इन नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका राउंड ऑफ रिजल्ट आएगा 5.69। तो ये इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, फिगर हो जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 2। अब जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, इफ द डिजिट फॉलोइंग द लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5। अब बात हो रही है लेस देन की नहीं, बल्कि ये क्या कह रहा है, ग्रेटर देन 5, यानी कि अगर कोई नंबर में प्रेजेंट डिजिट जिसको हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, वो डिजिट अगर 5 से क्या है, ग्रेटर है, यानी कि 5 से क्या है, ज्यादा है, बड़ी है, दस द लास्ट डिजिट टू बी रिटेन्ड इज इंक्रीज्ड बाय 1, तो उसको जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं उससे पहले वाले नंबर में हम कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो इंक्रीज मीन्स हुआ बढ़ाना। तो ये कह रहा है कि अगर वो लास्ट नंबर जिसको हमने ड्रॉप करना है वो 5 से क्या है, ज्यादा है, तो उससे पहले वाले डिजिट में जब हम उसको ड्रॉप करेंगे, उसको छोड़ेंगे, उसको हटाएंगे वहां से, तो हम 1+1 उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो जिससे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है इसका भी, तो देखिए कैसे,
सपोज ये है 5.676, यहाँ पे टोटल नंबर थे 1, 2, 3, 4, 4 में से हम इसको केवल 3 सिग्निफिकेंट तक ही क्या कर रहे हैं, इसको केवल 3 सिग्निफिकेंट तक ही हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो हम 6 को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, तो जो 6 है वो ग्रेटर देन क्या है, 5 है, यानी कि 5 से क्या है, ज़्यादा है, तो 5 से ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, इसमें प्लस 1 ऐड कर देंगे, जो इससे पहले का नंबर होगा 7, तो इसमें हम प्लस 1 को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये राउंड ऑफ करने पे हो जाएगा 5.68, यानी कि 5.68 हो जाएगा, क्योंकि 7 में 6 जो था ये 5 से ज़्यादा था, तो हमने इसको ड्रॉप करते समय इसमें एक क्या कर देना है, जोड़ देना है, यही हमारा रूल कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, यह 1.362, तो सपोज अभी इसमें जो नंबर हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, और हमें इसको केवल 2 डिजिट तक ही क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, तो 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करने के लिए हमें ये 2 नंबर ड्रॉप करने पड़ेंगे, 2 नंबर छोड़ने पड़ेंगे, तो पहला नंबर अगर हम देखें तो ये 5 से क्या है, कम है, तो इसको छोड़ते समय या ड्रॉप करते समय इससे पहले वाले नंबर यानी कि 6 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम 6 को यहाँ से क्या करेंगे, हटाएंगे, तो 6 हमारा क्या है, ग्रेटर है 5 से, तो इसको छोड़ते समय इससे पहले वाले नंबर में प्लस 1 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो ये राउंड ऑफ करके जो वैल्यू आएगी ये आएगी 1.4, तो 1.4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब मैं इसका थर्ड रूल आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ये लिखा है मैंने इसका रूल नंबर 3, इफ द लास्ट डिजिट इज इक्वल टू 5, यानी कि अब हमें इस पे ध्यान देना है कि अभी तक हमने लिया कि अगर लास्ट डिजिट 5 से कम हो, सेकेंड रूल में लिया अगर लास्ट डिजिट 5 से ज्यादा हो, अब रूल नंबर 3 कहता है कि अगर लास्ट डिजिट इक्वल टू 5 हो जाए, यानी कि 5 के बराबर हो जाए, देन देयर विल बी 3 केसेस, तो यहाँ पे एक केस नहीं होता बल्कि कितने केसेस हो जाते हैं, 3 केसेस हो जाते हैं, मैं तीनों आपको अच्छे से समझा देती हूँ। फर्स्ट केस कहता है अगर 5 के बाद जो है एक ऐसा नंबर है जो क्या है, नॉन जीरो है, यानी कि 5 के बाद 0 ना आकर के 0 के अलावा कोई भी नंबर आए, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, तो उस केस में यहाँ पे अगर हम इसको 3 नंबर तक राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो जब हम 5 को ड्रॉप करेंगे, छोड़ेंगे, तो हम उसको ऐसे अज्यूम करेंगे, ऐसे सपोज करेंगे कि ये नंबर जो है 5 से क्या है, ग्रेटर है, और 5 से ग्रेटर यानी कि ज्यादा के केस में मैंने आपको क्या बताया था कि उस समय 5 को ड्रॉप करते टाइम उसमें क्या जोड़ देते हैं, प्लस 1 जोड़ देते हैं, यानी कि प्लस 1 इंक्रीज कर देते हैं नंबर को, तो इसका जो राउंड ऑफ रिजल्ट होगा वो होगा 3.88। अब के सेकंड में क्या होता है कि फॉलोड बाय 0 विद ऑड नंबर, अब यहां पे जो लास्ट डिजिट 5 होगी अगर उसके बाद हमारा 0 आए, एक तो 0 आना चाहिए और दूसरा 5 से पहले अगर ऑड नंबर हो, तो हमने दोनों नंबर को देखना है कि लास्ट नंबर 5 के केस में अगर 5 के बाद 0 है और 5 से पहले क्या है, ऑड नंबर है, यानी कि कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो इस केस में क्या होगा कि 5 को जब हम ड्रॉप करेंगे तो इसमें प्लस 1 इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ये भी ग्रेटर देन 5 की तरह एक्ट करेगा, तो ऑड नंबर के केस में इसमें जब विषम संख्या यहाँ पे होगी, तो 5 को जब हम यहाँ से छोड़ेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, तो 7 में प्लस 1 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका जो राउंड ऑफ रिजल्ट मिलेगा वो होगा 3.88, तो इसका भी वही रिजल्ट मिलेगा। अब केस नंबर 3 देखते हैं, तो केस 3 में भी ये है कि फॉलोड बाय 0 विद इवन नंबर, यहाँ भी 5 जो लास्ट नंबर हमने देखा है उसके बाद अगर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, लेकिन 5 से पहले क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, कैसा नंबर आ रहा है, इवन नंबर, यानी कि सम संख्या अगर हमारी आ रही है, तो ये केस में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्या होगा देखो, तो 0 यहाँ भी है लेकिन इससे पहले वाले डिजिट क्या है, इवन है ना कि ऑड, तो अगर इवन नंबर होता है तो ये ऐसे बिहेव करता है जैसे नंबर लेस देन क्या हो, 5 हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसका जो राउंड ऑफ रिजल्ट मिलेगा इसको भी हम 3 नंबर तक ही क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, तो ये हो जाएगा 3.86, इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं आएगा क्योंकि इवन नंबर है 5 से पहले, तो जब भी
5 को ड्रॉप करेंगे लास्ट डिजिट 5 को, तो अगर उसके आगे इवन नंबर है तो उसके नंबर पे उसको राउंड ऑफ करते टाइम उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। अब हम इन्हीं रूल्स के बेस पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें सारे रूल लगभग फिट हो जाएंगे। तो मैंने ऐसे एग्जांपल यहाँ पर लिए हुए हैं और ये सपोज करके कि हमें हर डिजिट को दो सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि दो नंबर तक क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो हर डिजिट को हमने दो नंबर तक ही क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो कैसे करेंगे समझ लीजिए। तो ये है 6.211, तो 6.2 तक हमने दो नंबर तक इसको क्या रखना है, राउंड ऑफ करना है। तो हम इन दो नंबर को यहां से क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि यहां पे 1 जो है वो 5 से लेस है, तो इसको हटाने पे 2 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 6.2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसको भी 2 डिजिट तक हमने क्या करना है, रिटेन रखना है। तो 4.2 को हम यहां से क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। तो 2 डिजिट से पहले वाले नंबर को देखेंगे 4 भी 5 से क्या है, लेस है, तो इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 2.9, यानी कि 4.2 को ड्रॉप करने से इस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 3.8 में हमने इस नंबर को यहां तक राउंड ऑफ करना है, तो हम 6.1 को हटाएंगे। अब 8 से पहले वाले में 6 है क्योंकि ये 5 से क्या है, ज्यादा है, तो इस वाले में प्लस 1 हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो प्लस 1 ऐड करेंगे क्योंकि 1 5 से छोटा था, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके हटाने का। 6 को लेकिन जब हटाएंगे तो ये 5 से बड़ा होने से यहाँ पे प्लस 1 क्या कर देंगे, इंक्रीज। तो ये हो जाएगा 3.9। अब हम इसको देखें 2 डिजिट तक, तो यहाँ पे इससे पहले क्या है, 5 है, तो 5 के 3 केसेस मैंने बताए थे, लेकिन यहाँ पे नॉन जीरो नंबर है। तो नॉन जीरो के केस में मैंने आपसे कहा था कि इसको ग्रेटर देन 5 अज्यूम करते हैं, तो इसमें हम प्लस 1 को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि इसके बाद जीरो ना होकर के 1 यानी कि नॉन जीरो नंबर है। तो ये हो जाएगा 4.8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जीरो नहीं है। ऐसे ही 4.351 में यहाँ पे जीरो की बजाय नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो के केस में फिर से क्या हो जाएगा, प्लस 1। तो प्लस 1 होने से हम जब इसको क्या करेंगे, हटाएंगे, तो इसमें प्लस 1 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4.4, यानी कि इसको रिमूव करने पे प्लस 1 इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट 5, ये 5 है, इक्वल टू 5, तो इक्वल टू 5 के बाद अगर 0 आता है और आगे तुम्हारा क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर के केस में क्या होगा, 1.8 ऐसे ही रहेगा और ये इनको ड्रॉप करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और 3.250 में भी जो सेकंड डिजिट तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है वो इवन नंबर है, तो इनको हटाने से यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आंसर यहाँ पे भी रहेगा 3.2। तो ये थे रूल्स के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।